हाय गाइस, वेलकम बैक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं RAD मॉडल। किसी ने तो नाम ही नहीं सुना होगा, है ना। लेकिन क्या करेगा, ये SDLC मॉडल का यही एक और पार्ट है, ठीक है। तो ये RAD मॉडल एक्चुअली है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। रैपिड यानी फास्ट, बहुत तेज, यानी कि एप्लीकेशन को बहुत तेज अपन डेवलप कैसे करें, ये वो मॉडल है। तो देखो, लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट गिवन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट गिवन है, ठीक है। अब इसमें आप RAD मॉडल यूज कर रहे हो, RAD मॉडल से अपन ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे अपन मॉड्यूल्स है, काफ़ी सारे, ये देखो मॉड्यूल्स ही मॉड्यूल्स है, ठीक है। अब इन सबको मैनेज करने के लिए अलग अलग टीमें हैं। लेट सपोज इसकी टीम ये, इसकी टीम ये, इसकी टीम ये, लेट सपोज ABCD टीम है, ठीक है। सबने अपने अपने वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए होंगे, किसी ने ABC लिया होगा, किसी ने PQR लिया होगा। और जब आप इन सबको इंटीग्रेट करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लाइक आप सिंगल सिंगल की टेस्टिंग तो कर लोगे, ठीक है, टेस्टिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन चारों को जब ऐड करके पूरा एक कंप्लीट वापस सॉफ्टवेयर बनाओगे आप, तो उसमें दिक्कत आती है। तो उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से RAD यूज किया जाता है, क्योंकि फास्ट है और बहुत अच्छा इफेक्टिव है। तो बताता हूँ कैसे करते हैं ये। तो इन चारों को मतलब इंटीग्रेट कर देगा ये, आपके ABCD मॉडल को आपस में जोड़ देगा और आपका सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ में कौन कौन काम आता है, कौन काम आ रहा है आपका RAD मॉडल, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं। सो देयर इज मेनली 4 फेज। एक तो होता है रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद कट ओवर होता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर क्या होती है, ठीक है, वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग, टास्क एनालिसिस, फास्ट आदि अपन ये इन्वॉल्व होता है। साथ के साथ ये क्या कर रहा है, प्लान भी तो कर रहा है। प्लान किस चीज़ का कर रहा है, एंटायर स्ट्रक्चर प्लान डिस्क्राइबिंग द क्रिटिकल डेटास मेथड्स, उनके लिए कर रहा है ये स्ट्रक्चर प्लान, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या करोगे, यूजर से फीडबैक लेना, ठीक है, प्रोटोटाइप को बिल्ड करना डेवलपर टूल्स को यूज करके, ठीक है। और आल्सो इट इंक्लूड्स री एग्जामिनेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द डेटा, कितना वैलिड है आपका डेटा उसको चेक करता है, री एग्जामिनेशन करता है, कौन, डिस्क्रिप्शन के अंदर। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आता है, रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप, जो आपका प्रोटोटाइप है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको रिफाइनमेंट कर सकता है, एंड डिलीवरी टैक्स प्लेस करता है, एंड ऑल द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन एंड एनहेंसमेंट आर डन इन दिस फेज। यानी कि जितने भी मॉडिफिकेशन है, एनहेंसमेंट है, वो भी इसी फेज में किए जाते हैं, किसमें, कंस्ट्रक्शन में। लास्ट एंड फाइनल, लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइज, कट ओवर। कट ओवर क्या कहता है, ऑल द इंटरफेस बिटवीन द इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स डेवलप्ड बाय द सेपरेट टीम्स हैव टू बी टेस्टेड प्रॉपरली। जो भी इंडिपेंडेंट टीम्स ने मिलके अलग अलग लोगों ने इंटरफेस बनाई है, मॉड्यूल्स बनाए हैं, उन सब की टेस्टिंग आपके कट ओवर में की जाती है। अब आपको मेन डायग्राम शो करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर। अब जैसे कि देखो, यहाँ अलग अलग फेजेस है, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्नओवर। तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 ऐसे मान लो किसी एक टीम को दिया है, ए टीम को, ऐसे ही इसको बी टीम को दिया है, ऐसे ही सी टीम को दिया है। तो ये सब इस फेज से गुजरते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बारी बारी कि ये क्या कर रहा है, ये और ये चारों पाँचों कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। आपका जो बिजनेस मॉडलिंग है वो आपका इन्फॉर्मेशन को फ्लो कर रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो, और ये बिजनेस फंक्शंस यूज करते हैं जिसके अंदर आपके मतलब किस टाइप का आप डेटा कंटेन कर रहे हो, ठीक है, और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो वो बिजनेस मॉडलिंग के अंदर आता है। जो डेटा मॉडलिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, आपका जो ये जो आपने बनाया है, जो भी डेटा ड्राइव किया है, उसको रिफाइंड किया जाता है इनटू द सेट ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जितने भी आपका डेटा है उनको डेटा ऑब्जेक्ट्स में एड मतलब स्टोर कर दिया जाता है। देन प्रोसेस मॉडलिंग में क्या होगा, वो जो आपका डेटा है, जो सेट ऑफ दी डेटा ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट किया आपने, उसको ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, अपडेट करना, वो प्रोसेस मॉडलिंग का काम होता है। फोर्थ वन आता है आपका एप्लीकेशन जनरेशन, जिसके अंदर आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो फैसिलिटेट किया जाता है। एंड फाइनल वन टेस्टिंग एंड टर्न ओवर आपका। सो सिमिलर यही प्रोसेस मॉड्यूल 2 में अकॉर्डिंगली चलती है, ठीक है। और आपका जो मॉडल का जो टेस्टिंग वेस्टिंग प्रोसेस है वो तो है ही, और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका मॉड्यूल 2, 3 जितने भी मॉड्यूल है, जितनी भी टीम्स है, जिसमें भी आपने मॉड्यूल डाला है, दिया है मतलब, तो वो सारे मॉड्यूल्स वर्क करते हैं। देन बाद में इन सबको इंटीग्रेट करके एक
इंटीग्रेट टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ नज़र डाल लेते हैं थोड़ी सी। एडवांटेज है फ्लेक्सिबल है भाई आरईडी मॉडल, कि डिफरेंट डिफरेंट आप मॉड्यूल्स बना लो फिर भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अडोप्टेबल यानी चेंजेस जो आप करते हो रिक्वायरमेंट्स में किसी भी फेज में, तो वो अडोप्टेबल होती है। रीयूजेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, रिड्यूस करता है डेवलपमेंट टाइम। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ आरईडी मॉडल, और गूगल पे बहुत सारी मिल जाएगी, सर्च कर लेना। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो एप्लीकेशन, ऑल द एप्लीकेशन इज नॉट कंपेटेबल, तो सारी एप्लीकेशन आरईडी पर वर्क नहीं करती है, इसलिए थोड़ा सा ये आरईडी मॉडल अच्छा नहीं है। कैन नॉट यूज इन ए स्मॉल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट में मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतने मॉड्यूल आप बनाओगे नहीं, तो स्मॉल प्रोजेक्ट में मतलब ही क्या है, क्योंकि ये स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया है जिनके पास मतलब बहुत सारे मॉड्यूल है और बहुत सारी सेपरेट टीमें हैं, ठीक है। हाई टेक्निकल रिस्क देखने को मिलता है इसके अंदर, ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर अपनी जो एचडीएलसी के जितने भी मॉडल्स थे वो सारे फिनिश हो गए। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अलग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो भी मार्क करवाऊंगा मैं, बाकी आप चैनल के ऊपर जाके पूरा चेक इट आउट कर सकते हो क्या कैसी चीज़ें आपको करनी है, ओके। कोई भी दिक्कत डाउट आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, एंड वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।